जब से गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तभी से ईरान समर्थित कई इस्लामिक रेजिडेंस गुटों ने हमास के समर्थन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर हमले करने शुरू किए थे, जैसे कि लेबनान का हिजबुल्ला, इराक और सीरिया के विरोधी गुट और यमन का हूती संगठन। हूती ने इजराइल के खिलाफ शुरू से ही मोर्चा खोल रखा था और नवंबर 2023 आते आते हूती ने लाल सागर, बाबल मंदेब और एडन की खाड़ी से गुजरने वाले इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए थे। यहां तक कि हूती ने कई जहाजों को समुद्र में भी डुबो दिया और कईयों को उसने जब्त भी किया था। लेकिन हूती के हमलों से पश्चिमी देशों के जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका की अगुवाई में कई यूरोपीय देशों ने लाल सागर में अपने युद्धपोत भेजे थे, जो लगातार हूती के हमलों को बेअसर कर रहे थे। और इसी कड़ी में फरवरी 2024 में जर्मनी ने अपना हेसेन युद्धपोत लाल सागर में भेजा था। इस युद्धपोत पर जर्मनी की नौसेना के 240 लोगों का जत्था सवार था। लेकिन अब 20 अप्रैल 2024 को जर्मनी का ये युद्धपोत लाल सागर छोड़कर निकल चुका है। इस युद्धपोत को यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री मिशन के तहत लाल सागर में हूती से निपटने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब जर्मनी ने इस युद्धपोत को वापस बुला लिया है और इसकी जगह पर जर्मनी का हैम्बर्ग युद्धपोत अगस्त 2024 में लाल सागर में आ सकता है। लेकिन तब तक ऐसी संभावना है कि इजराइल और हमास का युद्ध ही खत्म हो जाए और ऐसी स्थिति में जर्मनी के इस युद्धपोत का लाल सागर में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हूती का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा पर अपने हमले रोकता नहीं है, तब तक वो लाल सागर से जहाजों को गुजरने नहीं देगा। वहीं अब जर्मनी के इस फैसले पर यमन के उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी का भी बयान आ गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा हुसैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो लाल सागर में नेविगेशन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि लाल सागर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है। वहीं यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने एक हालिया बयान में यूरोपीय देशों से लाल सागर से अपने युद्धपोतों को वापस बुलाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जो जहाज इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हूती की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और, क्योंकि हालिया दिनों में उसने लाल सागर में उन जहाजों पर भी हमला किया है जो इजराइल या अमेरिका से जुड़े नहीं थे। यहाँ तक कि रूस के साथ हूती की डील होने के बावजूद हूती पर रूस के मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगा था। हालांकि हूती ने सफाई देते हुए कहा था कि ये हमला गलती से हुआ था।